हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हैं मैं हर वीडियो में आपके लिए नया लाती हूँ ना, तो इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आई हूँ जो गेहूं का आटा होता है उसके पापड़ और कुल्लई आप कैसे बना सकते हैं आसान तरीके से घर पर। तो इसका जो टेस्ट है एकदम ज्वार के पापड़ और उसके जैसा आता है। लोग ज्वार के बनाते हैं लेकिन गेहूँ के आटे के नहीं बनाते, बहुत कम लोग बनाते हैं। या फिर तो गेहूं के आटे का जो टेस्ट है वो भी ज्वार के आटे जैसा ही टेस्टी बनेगा आपका। तो मैं आपको बता रही हूँ वीडियो, आप स्टार्टिंग टू एंड चैनल पे बने रहिए, वीडियो पे बने रहिए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर अभी आप न्यू व्यूअर है, फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे तो। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि हर किसी तक काम की वीडियो पहुँचे और किसी से भी कुछ भी मिस ना हो। और वीडियो के अंत में इसे लाइक करना ना भूलें। तो चलिए मैं आपको बताना स्टार्ट करती हूँ कि किस तरीके से हम गेहूं के आटे के पापड़ बनाते हैं, कुल्लई बनाते हैं। तो ये दो तरीके की चीज़ें हैं जो मैं आपको इसी वीडियो में बताने वाली हूँ। ओके, तो बने रहिए। तो सबसे पहले मैं चाहिए गेहूं का आटा, जो नॉर्मल हम रोटी बनाते हैं वही आटा चलेगा, इसका स्टेप फिक्र नहीं है। और हमें चाहिए सोडा, जीरा कूटा हुआ, जीरा हमने एकदम कूट लिया था, और नमक। अब हम एक कढ़ाई में पानी डालेंगे, पानी को थोड़ा गर्म होने देंगे। पानी गर्म हो जाए थोड़ा, उसके बाद हम नमक, सोडा और जीरा जो हमने कूटा हुआ था वो डाल देंगे पूरा इस तरीके से। तो देखिए, जीरा डालने के बाद जो पानी है ना येल्लो हो जाता है, उबाल आ गया है हमारे पानी में। उबाल आने के बाद थोड़ा सा इसमें हम गेहूं का आटा जो है वो डाल देंगे। डालने के बाद इसको चलाते रहिएगा वरना इसकी गांठें पड़ जाती है, तो इसीलिए इसको अच्छे से ऊपर से नीचे तक चलाते हुए करना है ताकि ये हमारा जो है परफेक्ट हो सके। तो इस तरीके से उसको चलाएंगे और उसके बाद इसको ढाँक देंगे। ढाँकने के बाद ये स्टीम में थोड़ा और अच्छे से पक जाएगा। देखिए, इस तरीके से हमारा जो गेहूं का खींची बोलते हैं इसे हम, ये पूरी तरह से रेडी हो चुकी है। अब हम बनाएंगे कुल्लई। अब हम चलते हैं छत पे। छत पे आप एक अच्छी पन्नी बिछा लीजिएगा। पन्नी बिछाने के बाद उसी पे हम डालेंगे पापड़ और कुल्लई। तो देखिए, हमारे पास ऐसा कुल्लई का साँचा था तो हमने उसमें ही डाला है। इसमें पूरा हम मिश्रण भरेंगे, उसके बाद उसको प्रेस करते हुए इस तरीके से देखिए कितना बढ़िया धार बनते हुए कुल्लई बनेगी। इसको राउंड घुमाना है थोड़ा सा, इस तरीके से राउंड घुमा के देखिए हमारी कितनी परफेक्ट कुल्लई जो है वो रेडी हो जाती है। इसी तरीके से हम सारी कुल्लई जो है वो डाल लेंगे। ओके, उसके बाद हम सेकेंड स्टेप पे जाते हैं। सेकेंड स्टेप होती है हमारी पापड़ बनाने की। तो पापड़ बनाने के लिए क्या होता है, एक हमें पन्नी लेनी है और चकले पे पन्नी रखेंगे, चकला या थाली भी ले सकते हैं आप, थाली पे भी पन्नी रख के उस पर तेल लगाएंगे हम इस तरीके से। उसके बाद उस पर गोला बना के रखेंगे खींची का और उसको कवर कर देंगे ऊपर दूसरी पन्नी से। मतलब एक ऐसी पन्नी लेनी है आपको जिसको हम फोल्ड भी कर सके, तो इसी पन्नी को हम इसके ऊपर फोल्ड करते हुए कर देंगे। फिर उसके बाद उसको हल्के हल्के हाथों से बेलेंगे, ज़्यादा जोर से या ताकत लगा के प्रेस नहीं करना वरना आपका पापड़ टूट जाएगा, इसलिए हल्के हल्के हाथ से प्रेस करेंगे। और जहाँ सेट करने की ज़रूरत हो वहाँ हम सेट भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा जो पापड़ है वो रेडी हो जाता है। अब इसकी ऊपर की पन्नी निकाल के ऐसे हम धूप में डालेंगे। धूप में डालने का भी एक बहुत स्पेसिफिक तरीका होता है इसको निकालने का भी, वरना आपका पापड़ फट सकता है। तो इसी तरीके से उल्टा करके इसको आराम से स्लोली स्लोली पापड़ को निकालेंगे। तो ये हमारा जो पापड़ है वो पूरी तरह से रेडी हो जाता है और निकल जाता है। अब धूप में हम इसे सूखने देंगे, ठीक है। धूप में सूखेगा, फिर 2 से 3 घंटे की अच्छी कड़क धूप लगेगी ना, उसके बाद इसको हम थोड़ा कुल्लई को भी और पलटा देते हैं। देखिए, इस तरीके से पलटा दिया ना, तो नीचे से हमारा जो है वो सूखा नहीं, ऊपर से थोड़ा थोड़ा सूख गया है। और पापड़ को भी इसी तरीके से हम पलटा देंगे। देखिए, ये भी है ना, कलर चेंज आपको अलग ही पता चल जाएगा कि ऊपर से जब सूखा है तो इस तरीके का कलर है और अंदर से नहीं सूखा है तो इस तरीके का कलर है। और इस तरीके से 2 दिन की अच्छी कड़क धूप लगेगी इसको, तो ये दोनों तरफ से अच्छे से हो जाएंगे, मतलब सूख जाएंगे कुल्लई और पापड़। इनको आप तल के खा सकते हैं और अगर आपको हल्की फुल्की भूख लग रही तो ये पापड़ जो है आप सेक के भी खा सकते हैं। तो इसी तरीके से आप बनाइए कुल्लई और पापड़ और इन्जॉय कीजिए। आप हमारे चैनल पे हमेशा बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हाँ, जल्दी से शेयर कर दो और सब्सक्राइब कर दो। बाय बाय।